नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडाने एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने बात की फिनोल के बारे में कि फिनोल क्या होता है, उसको बनाने की कौन कौन सी विधियां होती है, उसको लेकर हमने चर्चा की थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उस पर कमेंट कीजिए या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पे मैसेज कीजिए। आज हम बात करेंगे फिनोल की जो रासायनिक गुण है, रासायनिक अभिक्रिया जो है उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर रहने वाला है, काफी नेम्ड रिएक्शन जो है इसमें अपने को देखने को मिलेगी, तो अंत तक बने रहे। चलिए आज की कक्षा में शुरू करते हैं फिनोल के रासायनिक गुणों के बारे में। देखिए फिनोल के अगर अपन रासायनिक गुणों के बारे में बात करें तो अपन तीन अभिक्रिया के संदर्भ में इसमें अध्ययन करेंगे। फिनोल क्या होता है, देखो फिनोल की अपन तीन अभिक्रिया यहाँ पे अपन देखेंगे आज। ये जो फिनोल है इस पे क्या लगा होता है, यानी ये OH होता है फिनोल, ये होता है फिनोल, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि एक तो ऐसी अभिक्रिया जिनके अंदर ये OH समूह भाग लेता है, यानी इसके कारण जो अभिक्रियाएं होती है, यानी अपन यूं कह सकते हैं फिनोलिक समूह के कारण। यानी जो पहली जो अभिक्रिया अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया फिनोलिक समूह की अभिक्रिया, पहली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फिनोलिक समूह की अभिक्रिया, ठीक है, यानी जिसमें ये OH समूह भाग लेता है। दूसरी हम बात करेंगे ये जो फिनोल है, इस फिनोल की जो बेंजीन जो वलय है, इस बेंजीन वलय के कारण जो अभिक्रिया होती है, इस बेंजीन वलय से जो अभिक्रिया होती है उसकी हम बात करेंगे। और तीसरी जो हम बात करेंगे संघनन अभिक्रिया को लेकर, संघनन अभिक्रिया। तो आज इन तीनों अभिक्रिया को आज हम इसी वीडियो के अंदर या इसी लेक्चर के अंदर जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, चाहे जितना भी लंबा होगा इसको आज अपन कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है जी। तो अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले फिनोलिक समूह की जो अभिक्रिया है उसको लेकर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो फिनोलिक समूह की जो अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है, इसको लेकर हम बात करते हैं सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं फिनोलिक समूह की अभिक्रिया, यानी OH समूह के कारण जो अभिक्रिया होती है। इसमें देखिए OH समूह की अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे सबसे पहले जो फिनोल होता है इसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अम्लीय प्रकृति के बारे में कि फिनोल अम्ल होता है या नहीं होता है, या अम्लीय गुण दर्शाता है या नहीं दर्शाता है। देखिएगा इसका जो सबसे अच्छा जो अपने पास तरीका होता है, मैंने बताया था अम्ल का कि अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। आप कहोगे सर ऐसे तो क्षार भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो क्षार भी तो हो सकता है, तो लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन दोनों तरीके देखेंगे ना, अपन इस फिनोल की क्रिया धातु के साथ भी करवा के देखेंगे और क्षार के साथ भी करवा के देखेंगे। अगर क्षार के साथ कराने पर अगर लवण बन रहा है इसका मतलब तो अगला पदार्थ क्या हो गया भाई, फिनोल मतलब अम्ल हो गया ना, क्षार क्षार के साथ तो क्रिया करेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए अपन फिनोल की जो क्रिया है अपन अगर मान लो धातु के साथ करवाते हैं, मान लो मैं सोडियम के साथ करवाता हूं, ये फिनोल है बहुत ही प्यारा है, ये फिनोल है और ये OH लगा देता हूं इसके ऊपर, ये दो फिनोल, और इसकी क्रिया मान लो मैं कराता हूं किसके साथ करवाता हूं, सोडियम के साथ करवाता हूं, किसके साथ करवाता हूं सोडियम के साथ, तो मुझे प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड। क्या प्राप्त होता है मित्रों, सोडियम फिनोक्साइड जो है वो मुझे प्राप्त होता है ONA और बाहर क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस। आपको सर संतुलित नहीं है ये हो गई, इसको अपन बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड इसे हम कहते हैं। तो ये सोडियम फिनोक्साइड जो है ये हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है जी, है ना। तो ये देखो अपन ने इसकी क्रिया कराई किसके साथ, धातु के साथ क्रिया कराई, तो क्या प्राप्त हो अपने को सोडियम फिनोक्साइड। उसी प्रकार से अगर अपन इसकी क्रिया किसके साथ करवा देते हैं, क्षार के साथ करवाते हैं, चलो इसकी क्रिया अपन मिटा दें इसको, चलो इसकी क्रिया अपन करवाते हैं किसके साथ, क्षार के साथ, तो अगर लवण और जल बन रहा है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, ये आपका अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, है ना। मैं मेरी संतुष्टि के लिए या आपकी संतुष्टि के लिए इसकी क्रिया कराता हूं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है जी। तो ये बनेगा फिर भी सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा सोडियम फिनोक्साइड ONA, और देखिएगा यहां से OH और H बार क्या निकल जाएगा H2O, ठीक है।
तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल देता? तो आप कहोगे सर क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल तो केवल अम्ल ही देता है भाई, उसको अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ना। तो यहां पे देखो ये क्षार है और ये इसके साथ क्रिया करके लवण और जल दे रहा, मतलब ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। अब यहां से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं और उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार आज का जो लेक्चर रहने वाला है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। कोई दिमाग में बर्डन नहीं पालनी है ना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके बैठिए आप, बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को आप देखिए, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं, मान लो फिनोल की क्रिया अपन किसके साथ करवाएं? ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है देखिएगा। फिनोल की क्रिया में करवा देता हूं किसके साथ? ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ करवा देता हूं तो क्या बनेगा देखिएगा। एल्केन बन जाएगा एक तो सीधा सा, देखिए ये फिनोल है, इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं किसके साथ? ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ। आर एम जी एक्स होता है ना, ये एम जी और ये बी आर, ठीक है। तो इसकी अपन क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा देखो। आज मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, पिछले लेक्चर में मेरी क्या थोड़ी तबीयत ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं इसको फटाफट खत्म कर दूं। ये CH4 यहां से हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, है ना। ये इसके साथ होगी ग्रिन्यार अभिकर्मक के साथ। अब अपन बात करेंगे कि ये फिनोल जो है ये अम्लीय गुण क्यों दर्शाता है, इसका क्या कारण है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति के क्या कारण है, है ना, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। और वही अपन एक ना मुख्य अपना टॉपिक रहने वाला है आज। वैसे अपन पूरी करेंगे आज अभिक्रिया की कंप्लीट। फिनोल की अम्लीय प्रकृति का कारण देखिएगा, मैं हेडिंग वही लगाता हूं, फिनोल की अम्लीय प्रकृति का कारण, फिनोल की अम्लीय प्रकृति का कारण, अम्लीय प्रकृति का कारण क्या कारण है कि फिनोल जो है ये अम्लीय गुण दर्शाता है या अपन यू के हैं अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें फिनोल के अंदर अपन क्या देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं किस प्रकार से होती है। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको आज। ये इस प्रकार से फिनोल है, ये ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है ये लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। ध्यान से देखना आप, ठीक है। पहला कारण क्या है इसके अंदर देखिएगा, पहला कारण क्या है, ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है लोन पेयर। देखो द्विबंध एकल बंध लोन पेयर, जब एकांतर क्रम में क्या हो द्विबंध और लोन पेयर हो तो उसमें क्या होता है ऋणाद होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पर दान करेगा इस जगह पे, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? आप कहोगे सर यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने को कौन सी स्थिति मिलेगी, देखो अपने को मिलेगी ये ऑक्सीजन, इधर क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, इस पर क्या आएगा प्लस, और ये इधर क्या आ जाएगा आपकी, यहां पर क्या आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये बंद है ही है आपका इधर, और ये है ही है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, ठीक है जी। तो अगली कंडीशन जो अपने को देखने को मिलेगी देखिएगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर प्लस हाइड्रोजन, और यहां पर ये क्या बना हुआ है द्विबंध बना हुआ है इस तरह से, और इसको मैं बना देता हूं देखो इस तरफ ऐसे, ठीक है। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां पे तो क्या बन गया, ये बंध बन गया, बना दो ये बना दो, इधर सामने है ही है, और इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर आ गए, ये इस जगह पे आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। तो अगली कंडीशन अपने को क्या मिलेगी, देखो ये ऑक्सीजन पर प्लस है, ये हाइड्रोजन, और यहां पर ये क्या बना हुआ है द्विबंध, और ये इस प्रकार से कंडीशन अपन बनाते हैं ये इस तरह से, ठीक है जी। तो यहां पर ये बंध है ये, इसको मैं यहां बना देता हूं, यहां पे ये बंध बन जाएगा, और ये यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये कंडीशन आ जाएगी इस तरह से, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे यहां पे और ये जाएगा यहां पे, तो अगली कंडीशन जो अपने को मिलेगी वो मिलेगी ऑक्सीजन पर ये दोनों फिर से आ गए लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन, और यहां पे एकल बंध, और ये कुछ इस प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा ये
इधर बंद है ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसमें क्या होता है, अनुनाद होता है फिनोल के अंदर। फिनोल के अंदर क्या होता है, अनुनाद। अब आपको सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो, समझो इसका। इसका मैं अगर संकर अनुनाद बनाऊं तो ज्यादा वैसे कुछ नहीं, यहां बना देता हूं मैं संकर अनुनाद जो इसका जो होता है, अनुनादी संकर। देखिएगा ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश होता है। क्या होता है, आंशिक धनावेश, ठीक है जी। और यहां पर ऑर्थो पैरा ऑर्थो, मेटा पे कुछ नहीं होता। और यहां पर भी आंशिक द्विबंद होता है और बाकी द्विबंद जो है इसके अंदर घूमता रहता है, तो मैं इसके इस तरह से बना देता हूं। अब देखिएगा अम्लीय प्रकृति में इस फिनोल के अनुनाद का क्या रोल है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है या निम्न विद्युत ऋणी परमाणु है, समझना, ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है या निम्न विद्युत ऋणी परमाणु, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन बिल्कुल उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु खुद के ऊपर कभी धनावेश बर्दाश्त नहीं करता, कभी बर्दाश्त नहीं करता। ऑक्सीजन को यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि इसके ऊपर क्या रहे, धनावेश रहे। तो इस पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। देखो क्या आ गया, धनावेश। अब ये अपने धनावेश को उदासीन करने के लिए, ये ऑक्सीजन अपने धनावेश को उदासीन करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बाहर क्या निकाल देगा, H प्लस। क्या निकाल देगा, H प्लस। और अब मैं कहूं कि जो H प्लस देते हैं वो क्या क्या होते हैं, आप कहोगे सर जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। आ गए वहीं पे, आ गए ना, ठीक है। जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो ये दर्शा रहा है फिनोल की अम्लीय प्रकृति। तो ये तो हुआ पहला कारण, तीन कारण के अपन बात करेंगे, तीन रीजन इसके अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहला कारण आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले कारण की बात करते हैं। पहला कारण हो गया अनुनाद, पहला जो कारण हो गया वो क्या हो गया, अनुनाद हो गया। कौन सा हो गया, अनुनाद। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। देखिएगा दूसरा कारण, मैं इसको समझाता हूं आपको। दूसरा जो कारण आता है वो आता है एस लक्षण। कौन सा आता है, एस लक्षण। सर ये क्या होता है, देखिएगा एस लक्षण क्या होता है। इससे पहले अपन बात करते हैं संकरण की। अब आप कहोगे सर संकरण क्या होता है, तो मैं कहूंगा यहां पे तो मैं चर्चा नहीं कर सकता। देखो संकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आपने संकरण के प्रकार जरूर पढ़े होंगे यार, एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री, एसपी थ्री डी। लेकिन अपने को कार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ही अपने को जरूरत समझ में आती है, जरूरत पड़ती है अपने को। एसपी यानी अगर कार्बन क्या हो, त्रिबंधित हो, अगर कार्बन द्विबंधित हो तो एसपी टू, और अगर कार्बन के सभी बंध क्या हो, एकल बंध हो, तो क्या हो जाएगा, एसपी थ्री। अब मैं बात करता हूं एस लक्षण की, किसकी बात करता हूं, एस लक्षण की। तो यहां अगर अपन देखें एस लक्षण कितना होगा इसके अंदर, इसके अंदर एस लक्षण होगा 50%। इसके अंदर निकाले यानी 100 के तीन टुकड़े कर दो, ये होता है लगभग 3.33%, और इसके अंदर होता है लगभग 25%। तो सबसे अधिक एस लक्षण किसमें होगा, आप कहोगे सर जिसके अंदर एसपी संकरण होगा, जिसके अंदर एसपी संकरण होगा उसमें एस लक्षण सर्वाधिक होगा, उसके बाद एसपी टू, उसके बाद एसपी थ्री। सर यहां आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हो, देखो इधर मैं क्यों कर रहा हूं, समझो इधर, यहां पे जो कार्बन तुम्हें दिखाई दे रहा है रे मेरे भोलू, यहां पर देखो ये जो कार्बन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कार्बन द्विबंधित है, देखो है या नहीं है, ये कार्बन द्विबंधित है। और देखो एस लक्षण, एस लक्षण जितना अधिक होगा उस कार्बन की विद्युत ऋणता उतनी ही अधिक होगी, ध्यान देना, एस लक्षण, एस लक्षण जितना अधिक होगा उस कार्बन की विद्युत ऋणता उतनी ही अधिक होगी। तो यहां पर अपने पास देखो ना तो त्रिबंध है ना एकल बंध है, यहां अपने पास कार्बन के पास द्विबंध है, ठीक है। तो जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है देखो वो कार्बन क्या है, द्विबंधित है, यानी अपन कह सकते हैं वो कार्बन क्या है, एसपी टू संकृत है। एसपी टू संकृत है तो विद्युत ऋणता भी उसकी बढ़ेगी। विद्युत ऋणता क्या होती है, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति होती है या जो क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता या प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं,
विद्युत ऋणता कहते हैं। तो अब देखिएगा ये जो कार्बन है, ये यहां पर जो देखो ये जो वाला जो कार्बन है बेंजीन के अंदर, ये वाला कार्बन ठीक है, ये कार्बन देखो क्या है sp2 संकृत है, क्योंकि यहां पर देखो ये कार्बन के साथ ये द्विबंध है ठीक है। अब इस कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा किससे खींचेगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब आप कहोगे सर इतने थोड़ी खींच सकता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता तो ज्यादा होती ना, तो थोड़े बहुत तो खींचेगा ही खींचेगा ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, कम। अब ऑक्सीजन सोचेगा कि मेरे से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। क्या आएगा, धनावेश आएगा। अब ये अपने धनावेश को उदासीन करने के लिए, ये अपने धनावेश को उदासीन करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा और हाइड्रोजन किस रूप में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा ठीक है जी। तो ये होता है दूसरा कारण S लक्षण। पहला कारण हमने देखा था अनुनाद, दूसरा कारण S लक्षण ठीक है। बात करते हैं हम तीसरे कारण के बारे में, किसके बारे में, तीसरे कारण के बारे में हम बात करते हैं। अभी तीसरा जो कारण है इसका क्या होता है, मैं इसको थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूं, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सही नहीं है, इसको अपन एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। ताकि आपको भी हर चीज साफ दिखाई दे ना। अभी कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं यहां पर, बस एक जो ऊपर जो सफाई चल रही है वो सफाई करने वाले हैं, बाकी कोई नहीं है ठीक है जी। चलो ये सेट हो गया, समय हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं ठीक है, मिटा दे। चलो अगला हम बात करते हैं अम्लीय प्रकृति का जो तीसरा जो कारण है, और यहां से ही अपन देखेंगे दो चीजें देखेंगे कि जब ये H प्लस दे देता है, जब ये H प्लस दे देता है तो क्या होता है, समझना। मैं दो चीजें बताऊंगा आपके सामने और वहां से आपके 100% प्रश्न बनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से। देखिएगा ये है मेरे पास एक फिनोल, समझना ध्यान से आप, क्या है फिनोल, OH। जब अपन ने इसके अंदर क्या कराया था, अनुनाद करवाया था, क्या करवाया था, अनुनाद। यहां इसके पास क्या होते हैं लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आया था, धनावेश आया था। जब हमने इस पर अनुनाद कराया था ऑक्सीजन पर क्या आया था, धनावेश। यहां पर क्या आया था, ऋणावेश। यहां पर क्या आया था, ऋणावेश। यहां पर क्या आया था, ऋणावेश। यानी यहां पर दो विपरीत आवेश आ रहे हैं, दो विपरीत आवेश आ रहे हैं, यानी अपन यूं कह सकते हैं आवेश का पृथक्करण हो रहा है। क्या हो रहा है, आवेश का पृथक्करण हो रहा है। यहां पर दो विपरीत आवेश आ रहे हैं, मतलब आवेश का क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, समझना ध्यान से। इसमें आवेश का क्या हो रहा है, पृथक्करण। अब यदि ये फिनोल क्या करे, एच प्लस को त्याग दे, ये फिनोल क्या करे, एच प्लस को त्याग दे, ये है फिनोल। अगर ये एच प्लस को त्याग देगा तो क्या बनेगा, देखो अगर ये H+ को त्याग देगा तो क्या बनेगा, इस तरह से समझना ध्यान से, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज। तो ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर ये स्थिति आ जाएगी, नहीं ऋणावेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋणावेश। पर इसको अपन बोलते हैं फिनोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, फिनोक्साइड में अनुनाद बताइए, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनोक्साइड आयन। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन होता है, दोनों में से ज्यादा स्थाई कौन होता है, या यूं कह सकते हैं ज्यादा अम्लीय कौन होता है, ज्यादा स्थाई कह सकते हो या ज्यादा अम्लीय कौन होता है ठीक है। तो ज्यादा स्थाई जो होगा इसके अंदर फिनोक्साइड होगा, क्यों होगा वो अपन बात करते हैं। देखिएगा मिटाता हूं मैं इनको, फिर अपन बात करते हैं फिनोक्साइड आयन के अंदर जो अनुनाद है, कैसे इसके अंदर अनुनाद होता है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। फिनोक्साइड आयन का मतलब क्या होगा, यानी जो फिनोल है वो एक H+ दे चुका है, फिनोल H प्लस दे चुका है, तब जाके बनेगा फिनोक्साइड, यानी O माइनस, यानी इसके पास ये इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये माइनस, ये है आपका फिनोक्साइड आयन। और इसमें हमें बात करनी है अनुनाद के बारे में, किसके बारे में, अनुनाद के बारे में बात करनी है। देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो ये चला गया यहां पर, तो अगली कंडीशन आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन यहां पर द्विबंध, और ये कुछ इस प्रकार से यहां से इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां पर क्या जाएगा माइनस, यहां पे ये बंद है ये, यहां पे ये बंद है ये, सर ऑक्सीजन पर प्लस, ना ना मुन्ना, ना मुन्ना, ना मुन्ना, अब ऑक्सीजन पर प्लस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पहले से ही क्या है ये ऋणावेश, ये ऋणावेश अंदर चला गया भाई, पहले से ऋणावेश था तो ये ऋणावेश अंदर चला गया ना, ये आ गया देखो, तो ऑक्सीजन पर प्लस नहीं आएगा, ध्यान रखना ना, प्लस मत लिख देना वहां पर, ऑक्सीजन पर प्लस नहीं आएगा, एग्जामिनर यही नोट करता है, और अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं, यहां पे प्लस लिख देते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन डालते, प्लस नहीं आएगा। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले ये आएंगे यहां पर, तो ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो अगली कंडीशन क्या मिलेगी तुम्हें, ऑक्सीजन द्विबंध, यहां पर ये द्विबंध आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा ऋणावेश, ठीक है। अब देखो ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां, ऑक्सीजन द्विबंध और ये आपके कार्बन हो गए, यहां पर क्या आ गया, ये द्विबंध, ये द्विबंध और यहां पर क्या आ गया, ये ऋणावेश आ गया, क्या आ गया, ऋणावेश, ठीक है। अब देखो ये जाएगा यहां पे और ये जाएगा यहां पे, ठीक है, तो ये कंडीशन मिल जाएगी आपको पूरी इस प्रकार से, ये बंद यहां पे, थोड़ा सीधा बना देते हैं इसको, यहां पे ये बंद यहां पे, ये बंद यहां पे और ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर फिर से ऋणावेश। अब बताओ कि क्या इस पूरी संरचना में, यानी जो फिनोक्साइड आयन जो अपन ने देखा, इसमें कहीं पर भी आपको दो विपरीत आवेश दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो आप फिनोल का अनुनाद देखो और फिनोक्साइड आयन का अनुनाद देखो और फिर आप कंपैरिजन करो कि दोनों में क्या अंतर है। अब आप बोलोगे सर कि अंतर सबसे बड़ा एक ही है कि उस पर क्या आ रहा था ऑक्सीजन पर प्लस, फिर यहां पर क्या आ रहा था माइनस, यानी आवेश का क्या हो रहा था, पृथक्करण हो रहा था, जबकि यहां आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखो पूरी संरचना आपको माइनस ही दिखाई दे रहा है, कोई प्लस दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे भी, कहीं पे भी आपको धनावेश दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहां आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा है जबकि उसमें आवेश का पृथक्करण हो रहा था, ठीक है। तो आवेश का पृथक्करण होने के कारण क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, कम स्थायी होता है। अगर आपसे पूछ ले कि फिनोल और फिनोक्साइड की तुलना में ज्यादा स्थायी कौन होगा, तो अपन कहेंगे फिनोक्साइड जो है वो ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल पूरी संरचना में ऋणावेश का विस्तारीकरण होता है, ऋणावेश घूमता है, जबकि फिनोल के अंदर आवेश का पृथक्करण होता है, इसके अंदर आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, ठीक है जी, क्लियर कंप्लीट, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि इसके जो ऐसे समूह जो क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देंगे, ध्यान देना, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, ये हो गए इसके तीन कारण हो गए। अगला था फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखो इधर ये है फिनोल, समझना ध्यान से इसको, बस समझ लो इसको, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, ये है फिनोल कुछ इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा बहुत शानदार है ना, ये है फिनोल।
अब इसके अंदर कोई ऐसा समूह लगा हुआ हो, समझना ध्यान से, ये देगा इलेक्ट्रॉन, देखो इधर, यहां पर, ये यहां पर आ जाता है, ये यहां पर आता है और ये यहां पर आता है, यानी ऑर्थो और पैरा, कौन कौन सी स्थिति, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे है, फिर यहां से पैरा पे, ये तो हो गया, ये तो मेटा हो गया ना, ठीक है। अब यहां पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ध्यान देना, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर आकर्षी समूह लगा होगा जो क्या करेगा, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। अगर वो बेंजीन वाले से अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहां कोई ऐसा समूह लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, आकर्षित करता हो, और वो अगर बेंजीन वाले से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा किधर से, ऑक्सीजन से, किधर से लेगा, ऑक्सीजन से। अगर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, कम होगा, समझना ध्यान से। अगर ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, तो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, तो ये बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर भी तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा फिर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, भाई सर आपको सर तो एक ही तरीका है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लो, और इतिहास गवाह है हाइड्रोजन समय समय पर कुर्बानी देता है, और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल जाएगा किस रूप में, H+ के रूप में। तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित, तो वो तो फटाफट H+ निकलेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फटाफट क्या निकलेगा, H+ निकलेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां कमी होगी, ये लेगा तो यहां कमी होगी, यहां कमी होगी तो इधर से लेंगे, तो इधर से लेगा, तो फिर ये लेगा तो बाहर क्या निकलेगा, H+। यानी अगर फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, विशेष तौर से बाकी मेन कहां पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो, तो वो क्या करता है, वो फिनोल की अम्लता को बढ़ा देता है, क्या कर देता है, बढ़ा देता है, वो फिनोल की अम्लता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब अपन देखते हैं इसका थोड़ा विपरीत तरीके से, मिटा दे इसको, चलो देखो, अब यहां पर कोई एक ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, प्रतिकर्षित, यानी इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वाले के अंदर देगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वाले के अंदर देगा, तो बेंजीन वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बेंजीन वाले में अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेल देगा, ऑक्सीजन की तरफ धकेल देगा, किस तरफ धकेल देगा, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो क्या फिर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, जब यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वाले में करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वाले में देगा, तो इस बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा, ऑक्सीजन की तरफ धकेलेगा, किस तरफ धकेलेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो यानी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, तो क्या फिर भी ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या। अब आप कहोगे सर जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अपने आप ही आ रहे हैं, तो फिर वो काहे को हाइड्रोजन से तो सभी मोल लेगा, फिर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो क्या H+ निकलेगा, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये अम्लीय गुण दर्शाएगा क्या, नहीं दर्शाएगा। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये समूह अम्लीय प्रकृति को क्या करेगा, घटाएगा। ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बेंजीन वाले में दान करते हैं, ठीक है, वो फिनोल की अम्लता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गया फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, फिनोल की जो अम्लता है उस पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिनोल और एल्कोहल की अम्लता की तुलना की, उनमें ज्यादा अम्लीय कौन होगा। देखो इधर, फिनोल और एल्कोहल की अम्लता की तुलना,
देखो इधर था ये बेंजीन, समझना ध्यान से, ये है बेंजीन, ये था बेंजीन और ये था R, कौन था R ले ले, या फिर इसको आप CH4 ले लो, चलो है ना CH4 ले लेते पहले अपन इसको इस तरह से CH4, ठीक है। दोनों पर आक्रमण होता है किसका, OH का, समझना ध्यान से कहानी को, दोनों पर OH का आक्रमण होता है, ठीक है। तो ये तो बन जाता है फिनोल, हाइड्रोजन निकल जाता है इसमें से भी OH, यानी यहां से निकल गया माइनस एच प्लस, और यहां से भी क्या निकलेगा माइनस एच प्लस, और ये बन जाता है CH3OH। देखो दोनों एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसने क्या, इसने भी किया, भाई तूने एच प्लस दे दिया, चलो मैंने भी दे दिया, चलो चलो जैसा तू करेगा वैसे मैं भी करूंगा, ठीक है, क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे, ठीक है। चलो ये बन गया यहां से, अब आगे की कहानी, अब मैं दोनों को लिख रहा हूं, समझना ध्यान से, ये फिनोल और ये एल्कोहल CH3OH, क्लियर। अब क्या हुआ, इसने दिया H प्लस, फिनोल ने क्या दिया H प्लस दिया, और ये बन गया O माइनस, यानी फिनोक्साइड आयन बन गया, और क्या दे दिया इसने H प्लस दे दिया, क्या दे दिया H प्लस। इसने भी कोशिश की H प्लस देने की, इसने भी कोशिश की H प्लस देने की, और इसने भी दे दिया चलो फटाफट CH3O- और ये दे दिया H प्लस, इसने भी दे दिया H प्लस। अब इसने दिया तो ये जानता था, फिनोल जानता था कि H प्लस देने के बाद इसके पास क्या बनेगा, फिनोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा फिनोक्साइड बनेगा, फिनोक्साइड बनेगा, तो ये फिनोक्साइड जो ये अनुनाद के द्वारा क्या हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा, ये फिनोक्साइड अनुनाद के द्वारा क्या हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा। फिनोल ने H प्लस दिया और क्या बन गया, फिनोक्साइड बन गया, क्या बन गया फिनोक्साइड, और अनुनाद द्वारा क्या हो गया, स्थाई हो गया। तो आराम से H प्लस दे दिया इसने, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं H प्लस दे दूंगा, ध्यान देना कोई भी यौगिक तभी क्रिया करेगा या तभी कुछ करेगा जब उसका स्थायित्व क्या हो, बढ़ेगा, या उसको लगेगा कि उसमें देने से कोई ज्यादा फर्क, स्थायित्व में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसने दे दिया, क्योंकि ये H+ देने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है और फिनोक्साइड आयन क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसने भी ऐसे ही किया, इसने भी फटाक से H+ दे दिया इसके देखते देख। अब देखो तेरा क्या होगा कालिया, है? अब क्या करेगा बेचारा, ये H+ तो दे दिया, अब बताओ, अब इसके अंदर ना तो अनुनाद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अब इसको लग रहा है गलती कर दी, अरे कोई मेरे साथ क्रिया कर लो रे, मैं अस्थाई हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया अस्थाई, क्योंकि इसके अंदर ना तो अनुनाद है, ना अतिसंयुग्मन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि यहां क्या है, अनुनाद, अनुनाद के कारण ये अस्थाई हो जाता है, जबकि ये अस्थाई हो जाता है H प्लस देने के बाद, H प्लस देने के बाद भी, ध्यान देना, फिनोल H प्लस देने के बाद भी अनुनाद के कारण स्थाई हो जाता है, जबकि एल्कोहल H प्लस देने के बाद क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है, क्या हो जाता है, अस्थाई। अब बताओ क्या एल्कोहल ऐसा करेगा, क्या एल्कोहल ऐसा करेगा, क्या वो अनुनाद देगा, सॉरी इसके अंदर अनुनाद हो गई नहीं, तो क्या वो H+ देके अस्थाई होना चाहेगा क्या, नहीं। तो आप कहोगे सर अगर एल्कोहल H+ देने के बाद अगर अस्थाई होता है तो फिर वो H+ क्यों देगा, तो मैं भी कह रहा हूं भाई नहीं देगा, जब H+ नहीं देगा तो अम्ल होगा क्या, नहीं होगा। अब मुझे बताओ फिनोल और एल्कोहल में ज्यादा अम्लीय कौन होगा, आप कहोगे सर फिनोल और एल्कोहल में ज्यादा अम्लीय फिनोल होगा, क्योंकि H+ देने के बाद उसके अंदर फिनोक्साइड बनता है जो अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थाई हो जाता है, जबकि एल्कोहल में H+ देने के बाद अनुनाद नहीं हो पाता है, यानी अनुनाद जैसी कोई घटना जो है इसके अंदर नहीं होती है, जिसके कारण क्या होगा ये H+ नहीं देगा, जिसके कारण ये H+ नहीं देगा। एक कारण और भी देख सकते हैं, यहां जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके अंदर, यहां समझ लो चलो इसको, ये जो कार्बन है इसका संकरण कैसा है, आप कहोगे सर sp2, क्योंकि ये द्विबंधित है, अभी मैंने बताया था द्विबंधित कार्बन है तो संकरण कौन सा होगा sp2,
अब देखो इसको देखो या इसको देख लो, ये कार्बन, ये ओ एच, ये एच, ये एच और ये एच यानी हाइड्रोजन, सारे के सारे कौन से बंधे रहे, सारे के सारे सिग्मा बंध है। अब सारे के सारे अगर सिग्मा बंध है तो संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। तो मैं कहूं s लक्षण कितना होगा, आपको कहोगे सर 25%, इसके अंदर sp2 संकरण है तो s लक्षण कितना होगा 33%, 33.33% होता है। अब बताओ s लक्षण किसमें ज्यादा हुआ, आप कहोगे सर s लक्षण यहां ज्यादा हुआ, तो s लक्षण ज्यादा होगा तो कार्बन की विद्युत ऋणता भी ज्यादा होगी, यानी इस कार्बन की तुलना में इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ से खींचेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले लेगा, एच प्लस दे देगा, और ये इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन को इतना नहीं खींच पाता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता है। जब अगर ये इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो एच प्लस निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहां अपन सीधी सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि फिनोल की अम्लता एल्कोहल से क्या होती है, ज्यादा होती, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, क्लियर, बहुत अच्छे से इसको आप समझिएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि H प्लस देने के बाद ये क्या बना देता है, एल्कोक्साइड, और ये बना देता है फिनोक्साइड। तो एल्कोक्साइड जो आयन होता है इसके अंदर अनुनाद तो होता ही नहीं है, जब अनुनाद नहीं होगा तो स्थाई कैसे होगा, अनुनाद नहीं होगा तो ये स्थाई कैसे होगा, क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं इसकी फिनोल की जो कुछ अभिक्रिया है उसको लेकर हम बात करते हैं भी कौन कौन सी जो अभिक्रिया है वो फिनोल देता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले फिनोल की जिंक के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया अपन करवाएंगे फिनोल की, किसके साथ, जिंक के साथ अपन फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, देखो ये फिनोल है OH और इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं किसके साथ, जिंक के साथ करवा रहा हूं, किसके साथ करा रहा हूं, जिंक के साथ। तो ये क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन ले उड़ेगा, जिंक ऑक्सीजन लेके उड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ZNO, या इसको मैं इस भाषा में लिख दूं, देखो C6H5OH, इसकी क्रिया अपन करा रहे किसके साथ, जिंक के साथ, तो क्या बनेगा C6H6 और ZNO, ठीक है जी। तो यानी यहां पर क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन को निकाल ली, ऑक्सीजन को क्या कर ली, निकाल ली, ठीक है। तो क्या बनेगा, बेंजीन, यानी जब फिनोल को जिंक चूर्ण पर प्रवाहित किया जाता है, जब फिनोल की वाष्प को जिंक चूर्ण पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, क्या बनता है, बेंजीन, ठीक है। तो अब यहां से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, देखो सबसे पहले आप देखो बेंजीन, बेंजीन से आपने फिनोल कैसे बनाया, बेंजीन लिया था और बेंजीन से आपने फिनोल कैसे बनाया, देखो ऐसी कोई चीज जहां पर बेंजीन लेते हैं और बेंजीन से अपन क्या बना देते हैं, फिनोल बना देते हैं, बेंजीन से अपन क्या बनाते हैं, फिनोल, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो फटाफट, कुछ याद आया, देखो इधर मैं बताता हूं तुम्हें तो नहीं आएगा, मिटा दे इसको एक बार। चलो अपन ने क्या किया था, अपन ने लिया था बेंजीन, क्या लिया था, बेंजीन, और अपन ने कराया था बेंजीन का कराया था ऑक्सीकरण, याद हो तो ऑक्सीकरण करवाया था, क्या बनाता, फिनोल, क्या बनाता, फिनोल, और फिनोल की क्रिया अपन फिर से करा रहे किसके साथ, जिंक के साथ, तो फिर से क्या बन रहा है, बेंजीन, क्या बन रहा है, बेंजीन, और ये निकल रहा है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर आपको इस प्रकार से अभिक्रिया पूछी जा सकती है, यार कुछ भी दिया जा सकता है, देखो ए दे दिया, ए की क्रिया कराएंगे अपन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्या बनेगा, बी बनेगा, बी की क्रिया कराएंगे किसके साथ, जिंक के साथ, फिर से क्या बन गया, ए बन गया, देखो बना नहीं बना, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी अभिक्रिया आपको उठा के पटक दी जा सकती है, देखो सीधी सी, अब तुम्हें पता होना चाहिए इसके लिए भी क्या हो सकता है, ये है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आप खुद बना सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसीलिए कहा था पिछली क्लास में कि इस प्रकार की अभिक्रिया और भी हो सकती है यहां पर, यहां तो चलो मैंने चीजें दे दी आपको, बाकी इस प्रकार की स्थिति और किसी में भी हो सकती है ना, ठीक है ना, मिटा दे इसको, ठीक है। तो ये होगी किसके साथ, जिंक के साथ अभिक्रिया, किसके साथ होगी, जिंक के साथ। अगले अपन बात करते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, अमोनिया के साथ बात करेंगे तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, क्या बनेगा, एनिलीन,
जैसे उसके साथ क्या बन रहा था, एल्किलहैलाइड के साथ अपन ने क्रैकर क्या बनाता, एमीन बनाता, क्या बनाता, एमीन। दसवें पाठ के अंदर पढ़ चुके अपन, देखो इसमें क्या होगा, फिनोल की क्रिया अपन करा रहे किसके साथ, अमोनिया के साथ। फिनोल की क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, OH। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, NH3। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ZnCl2। ठीक है, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका भाई, यहां से H निकला तो क्या बचेगा, NH2, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। टेम्परेचर लिख लो रे, कुछ नहीं, ये अप्रोक्सीमेट होता है 573 केल्विन, इतना टेम्परेचर का इतना नहीं लिखोगे बोर्ड में तो भी चल जाएगा, कुछ नहीं इतना, ठीक है। तो ये अपन ने करा लिया अभिक्रिया किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ। अगला अपन बात करते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ, या जिसे अपन बोलते हैं पीएक्स के साथ, किसके साथ, पीएक्स के साथ। ये भी अपन पढ़ चुके पहले, पीएक्स वाली अभिक्रिया भी दसवें पाठ के अंदर, लेकिन तुमको याद नहीं है। ये फिनोल क्या हो गया, फिनोल, इसकी क्रिया अपने को करानी है किसके साथ में, फास्फोरस हैलाइड के साथ, यानी PCl5 के साथ करवा दो, PCl5। तो क्या बनाता ये, तो बनाता एक तो बनाता Cl, बनाता क्या बनाता Cl, और क्या बनाता POCl3, जैसे उसमें बनाता तुम्हें ध्यान में हो तो POCl3, और बाहर क्या निकलेगा, HCl। ये अभिक्रिया दसवें पाठ के अंदर जो एरिल हैलाइड निर्माण की विधियां हैं वहां हमने पढ़ी थी इसको, एरिल हैलाइड के निर्माण की विधियां अपन ने पढ़ी थी, क्लियर। अगले अपन बात करते हैं इथरीकरण, यानी इथर का निर्माण, किसका निर्माण, इथर का निर्माण, मिटा दे इसको, चलो इथरीकरण यानी इथर का निर्माण। अगली जो अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, किसका निर्माण, इथर, तीतर नहीं, इथर, इथर का निर्माण। देखो सीधी सीधी अभिक्रिया है, जहां पे कुछ होगा वहां पे मैं आपको जरूर समझाऊंगा। इथर का निर्माण देखो, इधर फिनोल है, फिनोल, फिनोल की क्रिया कराएंगे अपन किसके साथ, कोई सा भी क्षार ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, बाहर क्या निकलता है, H2O, क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, पढ़ चुके अभी थोड़ी देर पहले, शुरुआत यहीं से हुई थी इस लेक्चर की, ध्यान में हो तो, ONA। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड, कौन सा ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं CH3I, जो किताब में दे रखा वो ले लेते हैं, ठीक है, बाहर निकलेगा NaI, क्या निकलेगा, NaI, ये O और इसके जहां को जुड़ जाएगा CH3, और बाहर क्या निकल गया, NaI, ये हो गया इथर, है ना, COOC यानी इथर, एक तरफ बेंजीन हो गया, एक तरफ क्या हो गया, मेथिल हो गया, इथर, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल इथर, मेथिल फेनिल इथर, मेथिल फेनिल इथर, मेथिल, और मैंने कहा था अगर कुछ नहीं हो तो क्या बोलेंगे इसको, फेनिल, क्या बोलेंगे, मेथिल फेनिल इथर, मेथिल फेनिल इथर, क्या हो जाएगा ये, मेथिल फेनिल इथर, ठीक है जी, क्लियर कंप्लीट। अब जो नेम रिएक्शन, जो मुख्य मुख्य रिएक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, देखो जो मुख्य रिएक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, बाकी कोई ज्यादा विशेष नहीं है, जो मुख्य रिएक्शन होगी उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। चलो अब जैसे मान लो एस्टरीकरण है, एस्टर का निर्माण सीधी अभिक्रिया, किताब में देख लेना, ज्यादा कुछ भी नहीं है एस्टरीकरण के अंदर, ठीक है, बेंजोलीकरण में भी ज्यादा कुछ भी नहीं है, बेंजोलीकरण के अंदर भी ज्यादा कुछ भी नहीं है, सीधी से अभिक्रिया है। तो मैं यहां पर जो विशेष अभिक्रिया है उनके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। अब अगला अपन देखते हैं, जब अपन बेंजीन का क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, क्या करवाते हैं, बेंजीन का ऑक्सीकरण, बेंजीन का ऑक्सीकरण। जो सीधी अभिक्रिया है वो मैं नहीं बता रहा हूं, सीधी सी आप किताब में देखोगे डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है, बाकी काम को यहां पर मतलब ज्यादा वीडियो को लंबा करने से मतलब नहीं है। देखो फिनोल का अपन ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, CrO2Cl2, ये फिनोल, OH, इसका अपन कराएंगे क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे इस फिनोल का,
क्रोमिल क्लोराइड यानी CR2Cl2, एक मिनट, इसका CrO2Cl2 ये होता है CrO2Cl2, माफ कीजिएगा थोड़ा मैं भूल गया, भूल हो जाती है, CrO2Cl2 ये होता है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। और एक होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण। तो कुछ इस प्रकार का बंधन, जिसे अपन बोलते हैं बेंजोक्विनोन, क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन, इसको अपन बोलते हैं बेंजोक्विनोन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेंजोक्विनोन इसको कहा जाता है, बेंजोक्विनोन, ठीक है जी। ये हो गया आपका बेंजोक्विनोन, यानी अपन क्या कराएंगे, बेंजीन का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये हो गई OH समूह की अभिक्रियाएं। अब अपन बात करते हैं बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। अब OH समूह से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अब OH समूह से अपने को कोई लेना देना नहीं है, यानी उसको अपन अप्रभावित रखते हुए बात करेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रिया के बारे में। और सीधी सीधी अभिक्रिया है, डायरेक्ट सभी वही अभिक्रिया है, बेंजीन वलय की अभिक्रिया जो आपने उसके अंदर पढ़ी थी, बेंजीन वलय की अभिक्रिया किसमें पढ़ी थी, एरिल हैलाइड के अंदर, जो अभिक्रिया एरिल हैलाइड के अंदर पढ़ी थी वो की वही अभिक्रिया है, ठीक है। सबसे पहले देखो नाइट्रीकरण, उन अभिक्रिया को मैं फिर से करवा के ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। नाइट्रीकरण अपन जानते हैं क्या जुड़ता है, NO2 जुड़ता है, क्या जुड़ता है, NO2। कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा, अपन बात कर चुके थे। फेनिल नाइट्रीकरण जो है कहां पर जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, ठीक है। HNO3, और अपन ने पढ़ा था ये अभिक्रिया होती किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या बनेगा, जो NO2 समूह है नाइट्रोफिनोल बनेगा। NO2 समूह या तो जुड़ेगा कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो पर, या फिर कहां जुड़ेगा, पेरा पर, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहां जुड़ेगा, पेरा पर। OH सेम अभिक्रिया की क्रियाविधि होगी जो अपन ने दसवें पाठ के अंदर पढ़ी थी, एरिल हैलाइड के अंदर, एरिल हैलाइड के अंदर जो दसवें पाठ के अंदर पढ़ी थी वो का वही होगा, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। अगला आता है सल्फोनीकरण, मिटा दे, सल्फोनीकरण यानी SO3H जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, SO3H। अब ये ऑर्थो और पैरा पर क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इनको इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा, इनको इलेक्ट्रॉन या तो मिलेगा ऑर्थो पर या कहां पर मिलेगा, पैरा पर। कैसे मिलेगा फिर बता रहा हूं, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ऑर्थो या पैरा पे क्यों जुड़ेगा, ये O और H, ऑक्सीजन पर ये क्या है, लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इधर दान करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, यहां पर, ये कहां पर आएगा, यहां पर, और ये कहां पर आएगा, यहां पर। ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, ये कौन सी है, पैरा, और ये कौन सी है, ऑर्थो, सॉरी ये पैरा, ठीक है। तो आने वाला अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसको इलेक्ट्रॉन या तो कहां पर मिलेंगे, ऑर्थो पर मिलेंगे, या तो यहां पे, या फिर यहां पे, या फिर यहां पर, ठीक है। तो आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो कहां पर जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे। और यही जो सेम अभिक्रिया है वह अपन ने पढ़ी थी कहां पर, एरिल हैलाइड के अंदर, वहां पर केवल क्या था, ये OH की जगह पे क्या लगा हुआ था, X यानी हेलोजन लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, हेलोजन। बाकी सारी अभिक्रियाएं वो की हुई है, OH की जगह पे क्या लग जाएगा, केवल हेलोजन लग जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सल्फोनीकरण भी उसके अंदर है, मैं यहां पे इसलिए नहीं करा रहा हूं, सल्फोनीकरण वगैरह सब नॉर्मल अभिक्रियाएं हैं, आप उसके अंदर देखोगे आराम से हो जाएगा। फालतू में वीडियो लंबा होगा, आपका भी डेटा खत्म होगा, इंटरनेट खत्म होगा। तो एक बार देखो चाहे 100 बार देखो, प्रोसेस वही है, मैंने बता दिया OH की जगह पे क्या लग जाएगा, केवल हेलोजन लग जाएगा, केवल हेलोजन लग जाएगा। दूसरी अभिक्रिया वही फ्रीडल क्राफ्टर अभिक्रिया, एक तरीका बताता हूं, नॉर्मल फ्रीडल क्राफ्टर अभिक्रिया पढ़ चुके थे अपन, उसमें भी फ्रीडल क्राफ्टर अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्टर अभिक्रिया दो प्रकार की बताई थी मैंने, एक तो बताई थी फ्रीडल क्राफ्टर एल्किलीकरण, यानी जब एल्किल समूह का योग होता है, जब एल्किल समूह का योग होता है तो उसे अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और एक होता है एसिटिल समूह का योग CH3CO, इसको अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। और ये दोनों अभिक्रिया हो रही थी किसकी उपस्थिति में होती है, AlCl3 की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में,
एल सीएल थ्री की उपस्थिति में पूरा का पूरा जो वीडियो है पूरी क्रियाविधि मैंने कराई थी एरिल हेलाइड के अंदर, एरिल हेलाइड की अभिक्रिया में पूरी की पूरी क्रियाविधि कराई थी और वो की वो यहाँ पे भी होगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लो कि ये OH है और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये CH3 लग जाएगा, क्या लग जाएगा CH3। अगर ये है तो यहाँ पर ये लग जाएगा इसकी जगह पे, क्या लग जाएगा यहाँ बता देता हूं मैं, ये इस तरह से लग जाएगा ये OH और यहाँ पर कौन लग जाएगा सिरल बॉन्ड O और ये CH3 लग जाएगा। ठीक है तो ये अभिक्रिया जिसे अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, क्या बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण और इसको अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, क्या बोलते हैं एल्किलीकरण। पूरी की पूरी अभिक्रिया सेम है, केवल जो ये OH है इस OH की जगह पे हेलोजन लग जाएगा, यानी क्या लग जाएगा आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन ये लग सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, D2O का वही प्रोसेस है। ठीक है जी अगला आता है ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनीकरण में भी क्या होगा वही ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ब्रोमिनीकरण में क्या होगा ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इसलिए फालतू में डेटा खर्च करने से मतलब नहीं है, इसकी तुलना में आप कुछ और भी देखोगे जो अभिक्रिया सेम है उसके अंदर फालतू में कोई नहीं अभिक्रिया को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। देखो इधर ब्रोमिनीकरण में क्या होगा ब्रोमीन जुड़ेगा, ये OH हो गया और इसकी क्रिया मैं करता हूं किसके साथ 3Br2 यानी 6 ब्रोमीन हो गए, कितने हो गए 6 ब्रोमीन हो गए। अब ये क्या करेंगे देखो ब्रोमीन ये जहां पर जुड़ेंगे वहां से क्या निकालेंगे हाइड्रोजन, यहां पे जुड़ेगा यहां पे जुड़ेगा यहां पे जुड़ेगा हाइड्रोजन निकाल देगा, जहां जहां पे जुड़ेगा वहां से क्या निकलेगा हाइड्रोजन निकलेगा, जहां जहां पे जुड़ेगा वहां से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, यहां जुड़ेगा यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां जुड़ेगा यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां जुड़ेगा यहां से हाइड्रोजन निकलेगा OH, कितना हाइड्रोजन निकले 3, 6 ब्रोमीन थे 3 जुड़ गए तो कितना हाइड्रोजन 3, तो 3 क्या निकल जाएगा HBr। आप कहोगे सर यहां पे क्यों नहीं जोड़ा, ये मेटा पर इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं है, बने देखा मेटा पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे तो यहां पर नहीं जुड़ेगा, नहीं आ रहे तो यहां पे नहीं जुड़ेगा, मिटा दे चलो। अरे जो अभिक्रियाएं जरूरी है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन खामखा उन अभिक्रियाओं को जो अपन पढ़ चुके हैं उन्हीं को वापिस रिपीट करना तो सबसे अच्छा है कि आपने जो 10वां पार्ट पढ़ा है मैंने भी डाल रखे लेक्चर उन भी डिटेल में आप देखो सभी की क्रियाविधि मैंने उसके अंदर डाल रखी है, आप आराम से उनको देख सकते हो। ठीक है अगली अपन बात करते हैं फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया के बारे में, फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है इसमें भी क्या है कि विन्यास जो है बदल जाता है, कुछ विशेष नहीं है, फ्रीज पुनर्विन्यास जो अभिक्रिया है इसके अंदर क्या होता है विन्यास बदल जाता है। ठीक है यह भी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण जैसी होती है, यानी थोड़ी सी उसमें उसको थोड़ा आगे कर देते हैं और कुछ नहीं, ये जैसे मान लो ये OH हो गया इसकी क्रिया अपन करा रहे एसिटिल क्लोराइड से सी डबल बॉन्ड O और ये Cl से। ठीक है ये अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं यहां पर। ठीक है तो ये जुड़ेगा कहीं ना कहीं ऊपर जाके जुड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है माध्यम जो है अपन इसको चेंज कर देते हैं यहां पर, बस ये यहां पर जुड़ जाता है बस सीधा सा यहां पर और कुछ नहीं है, तो विन्यास बदलेगा फिर इसके बाद में बस ये O CO और ये CH3 इस प्रकार से, यानी इसको मैं खोल के लिख देता हूं थोड़ा सी डबल बॉन्ड O और ये CH3 इस प्रकार से जुड़ जाता है और बाहर क्या निकल जाता है यहां से HCl बाहर निकलता है, क्या निकलता है HCl, ये बन गया आपका फेनिल एसिटेट बन गया, क्या बन गया फेनिल एसिटेट। जब इसको अपन क्या करते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में क्या करते हैं गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते थे, ये यौगिक वापस कहां लग जाएगा यहां पे लग जाएगा, कहां पे लग जाएगा यहां पर लग जाएगा और यहां का जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और कुछ नहीं। देखो इधर इसको अपन नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन, अभिक्रिया का नाम क्या है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया, यानी विन्यास पुनर्विन्यास, यानी विन्यास क्या हो जाएगा स्थापित हो जाएगा। तू सीधा बता रहे फालतू में बच्चों का डेटा खर्च हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन इसकी उपस्थिति में होता है और यहां पर क्या होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्या होता है AlCl3 की उपस्थिति में। जब ये देखो ये जो समूह है ना ये वाला समूह ये जब यहां जुड़ेगा या फिर यहां जुड़ेगा तो यहां से क्या निकलेगा H और यहां से जो H निकलेगा वो कहां जुड़ जाएगा यहां पर, यानी विन्यास बदल गया।
इसको कौन बोलते हैं? फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखो इधर ये OH हो जाएगा और ये यहां जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, ये हो गई फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। कौन सी हो गई? फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है जी, मिटा दें। चलो अब जो रिएक्शन आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब जो नेम रिएक्शन आएगी सारी की सारी, अब जितनी भी जो अभिक्रिया आएगी वो मैं कराऊंगा आपको, और वो इंपॉर्टेंट भी है, और वहां से 100% आपको 100% अभिक्रिया मिलेगी। गारंटी है, गारंटी है, वहां से अभिक्रिया आपको बोर्ड में मिलेगी ही मिलेगी। पहली और इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया आती है वो आती है गाटरमान अभिक्रिया। लिख लीजिएगा अभी से भी, गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपन क्या लेते हैं? एक तो लेते हैं HCl और एक अपन लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड HCN। इसकी अपन क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। ये बनेगा आपका ClCH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा इस तरह से, है ना? ठीक है, अब इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ? फिनोल के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? फिनोल के साथ। देखो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, देखो इधर ये है फिनोल, इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे अपन ClCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो ये यहां जुड़ सकता है, यहां जुड़ सकता है, यहां जुड़ सकता है, कहीं पे भी जुड़ सकता है। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहां से ये निकलेगा Cl माइनस, तो ये जुड़ेगा सीधा इसके यहां पर। ठीक है, ये फिनोल, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। OH और ये जुड़ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। यानी यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ये बाहर क्या निकल गया? यहां से HCl निकल गया। क्या निकल गया? HCl। ठीक है, अब यहां पर इसकी अपन क्रिया कराएंगे अम्ल उत्प्रेरित जल के साथ, यानी H3O+ के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? H3O+ के साथ। तो क्या बनेगा? देखो इधर थोड़ा ये सही नहीं बन रहा है, ये OH, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड समूह जुड़ जाएगा CH, और बाहर क्या निकलेगा? देखो H2O, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन, और ये यहां से निकल जाएगा, सॉरी यहां से NH2CHO। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा आपका NH3। क्या निकल जाएगा? NH3, और यहां से जो HO है, ऑक्सीजन यहां लग गया, तो फिर आपका क्या बन गया? यहां से तीन हाइड्रोजन, तो ये ही है NH3। ठीक है, और एक हाइड्रोजन बचेगा जो वापस किसका चला जाएगा? अम्ल के साथ चला जाएगा। नहीं, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, H+ था यहाँ पर, जो अम्ल के साथ नहीं वापस, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया तो क्या हो जाएगा? वापस H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2SO4। ये होती है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी हो गई? गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है जी, अगली अपन बात करते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया। मिटा दे इसको, राइमर टिमान अभिक्रिया। यहां पर क्लोरोफॉर्म लेते हैं एक तो, और लेते हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है आपको, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वहां आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए ये है फिनोल, और क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CHCl3+3KOH, ये अपन यहां पर लेते हैं, और यहां अपने को प्राप्त होता है वही एल्डिहाइड फिर से OH, और ये जुड़ जाएगा आपका CHO यहां पर। ठीक है, अब देखो बाहर क्या क्या निकल सकता है इसके अंदर, देखो लगाओ अंदाजा आपसे। यानी एक तो निकलेगा 3KCl, 3KCl के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? CHCl3, यहां पर मैंने गलत कर दिया, 3KCl ये निकलेगा एक तो यहां पर 3KCl पोटेशियम क्लोराइड। और क्या निकल रहा? देखो कार्बन था वहां पे लग गया, ये यहां पर लग गया, अब यहां पर क्या देखो, यहां से ऑक्सीजन गया तो क्या बचेगा आपके पास? H2O, कितने देखो संतुलित करो, संतुलित करो इसको, ये है आपकी कौन सी अभिक्रिया? राइमर टिमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? राइमर टिमान अभिक्रिया।
ऑक्सीजन यहां पर कितनी है आपके पास, थ्री, तो एक यहां लग गई तो कितनी बचेगी, दो बचेगी, टू एच टू ओ। हाइड्रोजन कितने थे आपके पास, तीन और एक, तीन और चार, टू एच टू ओ, ठीक है, हो गई संतुलित। देखो ये कौन सी अभिक्रिया आपकी, राइमर टिमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, राइमर टिमान अभिक्रिया। ये दो तरह की आएगी, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी हो गई, राइमर टिमान अभिक्रिया। अब देखो इसके अंदर तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, यानी सी एच ओ जुड़ रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको, थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर अपन क्या ले ले, कार्बन टेट्राक्लोराइड सीसीएल फोर ले ले, क्या ले ले, सीसीएल फोर। राइमर टिमान अभिक्रिया है, उसका नाम भी क्या है, राइमर टिमान अभिक्रिया है, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर क्लोरोफॉर्म की जगह मैं क्या ले लेता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेता हूं, और यहां ले लेता हूं जेल, ये अणु ले लेता हूं मैं चार, और यहां ले लेता हूं मैं सीसीएल फोर, क्या ले लेता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी राइमर टिमान अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा देखो सी डब्लो एच बन जाएगा यहाँ पर, यानी कार्बोक्सिलिक समूह लग जाएगा यहाँ पर, बस ये भी है सेम, और ये हो जाएगा आपका फोर के सी एल, बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, फोर के सी एल यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी अभिक्रिया, राइमर टिमान अभिक्रिया। कौन सी हो गई, राइमर टिमान अभिक्रिया। अगले अपन बात करते हैं डफ अभिक्रिया के बारे में, किसके बारे में, डफ अभिक्रिया क्या होती है उसको लेकर हम बात करते हैं। कौन सी अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया। देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो फिनोल है, इस फिनोल की क्रिया वो अपन कराते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का मतलब क्या होता है, देखो CH3 6, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी N4, ये होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और साथ में लेते हैं अपन बोरिक अम्ल, क्या लेते हैं, बोरिक अम्ल H3BO3। जब फिनोल की क्रिया किसके साथ कराते हैं अपन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और किसके साथ करवाते हैं, बोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो आपको एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है यहां पर इस प्रकार से। ये एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। जब अपन इसका क्या करते हैं, इस मध्यवर्ती यौगिक का अपन क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। इस मध्यवर्ती यौगिक का अपन क्या कराते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो अपने को प्राप्त होता है सैलिसिलल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। सैलिसिलल्डिहाइड यानी क्या हो जाएगा, OH, और यहां लग जाएगा ये CHO, ठीक है। तो ये एक मध्यवर्ती यौगिक, इसका अपन क्या कराते हैं, जल अपघटन। यहां पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, आई थिंक ये CH3 होता है, ठीक है। तो जब ये जो मध्यवर्ती यौगिक अपने को प्राप्त होता है, अपन इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जल अपघटन। तो ये यौगिक इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलल्डिहाइड। जैसे राइमर टिमान अभिक्रिया में प्राप्त होता है ना, एक तो प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल, अगर यहां पर क्या लगाओ CWH, तो उसको बोल देंगे सैलिसिलिक अम्ल, और CHO लगाओ तो क्या बोल देंगे, सैलिसिलल्डिहाइड, सैलिसिलल्डिहाइड। तो ये है कौन सी अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया, ठीक है। अगले अपन बात करते हैं कोलबे अभिक्रिया या कोलबे सिमट अभिक्रिया। मिटा दें इसको, डफ अभिक्रिया को, इसका अपन कराते क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते, लिख देना यहां पर, ठीक है। कोलबे अभिक्रिया या जिसे अपन बोलते हैं कोलबे सिमट अभिक्रिया, कोलबे सिमट अभिक्रिया या कोलबे अभिक्रिया। ये जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है इनमें से 100% अभिक्रिया आपके पहुंचने की संभावना है, कोलबे या कोलबे सिमट अभिक्रिया। देखो कौन सी अभिक्रिया, कोलबे या कोलबे सिमट अभिक्रिया, कोलबे या कोलबे सिमट अभिक्रिया। देखो क्या होता है इसके अंदर, कोलबे सिमट अभिक्रिया के अंदर फिनोल है, फिनोल की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ करवाते हैं। क्या बनता है बताओ, बताओ बताओ फटाफट बताओ, भी अपन ने देखा था क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, ये ONA, इसको अपन करते हैं किसके साथ, CO2 के साथ, क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका इस तरह COONA। क्या बन जाएगा, COONA। अब क्या करना है अपने को, इसका क्या कराना है, जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है,
जल अपघटन यानी H2O, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देखो OH यहां पे लग जाएगा एक तरह से H, और बाहर क्या निकल जाएगा NaOH, यानी ये बन जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल। इधर लिख रहा हूं मैं नीचे OH, और यहां हो जाएगा COOH, और बाहर क्या निकलेगा NaOH, बाहर क्या निकलेगा यहां से NOH। ये है आपकी कौन सी विक्रिया, कोलबे विक्रिया, या जिसे अपन बोलते हैं कोलबे सिमट विक्रिया, कोलबे या कोलबे सिमट विक्रिया, ठीक है जी, क्लियर, मिटा दे। चलो कोलबे सिमट विक्रिया। अगली आती है एसीटोन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, एसीटोन के साथ। मैं इसको समझने के लिए इस प्रकार से बना रहा हूं, इनको कट तो नहीं रहा है ऊपर, चलो मैं थोड़ी देर में इसको एक बार लिख देता हूं, फिर चेक कर लेते हैं। OH और ये एक फिनोल है, ये फिनोल है और ये H, यहां से निकल जाएगा ये H2O, क्या निकल जाएगा H2O जो है यहां से बाहर निकल जाएगा, और आपके पास प्राप्त होगा जो यौगिक उसे अपन बोलते हैं बिसफिनोल ए, ठीक है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, जल बाहर निकल रहा है, जब भी जल बाहर निकलता है, मैंने कहा था वहां पर अपन क्या लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तो आप क्या होते हैं एरो के ऊपर लिख सकते हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो कैसे प्राप्त हो जाएगा, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, ये है CH3, ये क्या है CH3, और इधर कौन जुड़ गया, ये बेंजीन जुड़ गया, देखो यहां पर OH और OH, इसको अपन बोलते हैं बिसफिनोल ए, क्या बोलते हैं, ये यहां से इधर बनेगा सीधा, क्या बोलते हैं इसको बिसफिनोल ए, यानी इसकी क्रिया अपन किसके साथ करा रहे हैं, एसीटोन के साथ करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं एसीटोन के साथ। अगला अपन देखते हैं बेंजीन की डाइएथेनियम लवण के साथ क्रिया, सॉरी फिनोल की डाइएथेनियम लवण के साथ क्रिया, तो वहां पर बनेगा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या बनेगा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, मिटा दे। चलो फिनोल की डाइएजोनियम लवण के साथ क्रिया, डाइएजोनियम लवण क्या होता है, बेंजीन पर N2 और Cl लगा होता है, N2 और Cl लगा होता है फिनोल, देखो इधर ये है फिनोल, यहां का हाइड्रोजन में खोल के लिख रहा हूं अभिक्रिया के लिए, ये Cl और ये N2, N2 प्लस Cl माइनस, ये है आपका डाइएजोनियम लवण, यहां से निकल जाएगा ये HCl, क्या निकल जाएगा बाहर HCl, जो उत्पाद बनेगा यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, देखो इधर क्या है OH, अब ये जुड़ जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और जब भी देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध आ जाता है, जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध होता है उसे अपन बोलते हैं एजो, क्या बोलते हैं एजो योगी कहते हैं, जब भी अगर बाहर क्या निकल जाएगा ये HCl लिख देता हूं, चलो यहां पर जब भी, चलो लिख रखा है क्या इधर ऊपर लिख रखा है, सॉरी, जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो द्विबंध हो तो अपन क्या बोलते हैं एजो योगी कहते हैं, क्या कहते हैं एजो, तो इसको अपन बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ऑर्थो मेटा और पैरा यहां से देखेंगे ऑर्थो मेटा और पैरा, पैरा है, पैरा पर क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या कहेंगे इसको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगला आता है थेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ थेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, थेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट कर देना इसको, थेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, थेलिक एनहाइड्राइड, थेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया थेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, इसके अंदर दो फिनोल के अणु लेते हैं और यहां से भी जल का अणु बाहर निकलता है, और मैंने कहा था जब भी जल का अणु बाहर निकलेगा वहां पर क्या होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाएगा, जब भी जल का अणु बाहर निकलेगा वहां पर क्या लिया जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे अपन, ये एच प्लस एच और क्या हो जाएगा आपका ये OH, इसकी अपन क्रिया करा रहे किसके साथ थेलिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ कराएंगे
थेलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो इधर कुछ बहुत ही एक खूबसूरत सा यौगिक होता है ये, इस तरह से ये इसमें भी क्या होता है, एक बेंजीन वलय होती है और इसमें इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, इधर ये कार्बन इस तरह से डबल बॉन्ड और ये कार्बन और फिर इधर भी ये इस तरह से ये आपस में जुड़े होते हैं। तो यहां से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, क्या निकलेगा H2O। आई थिंक इसको मैंने थोड़ा गलत बनाया है, इसको थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को, रुको इसको यूं बनाते हैं अपन। इस तरह से होता है ये, इसको अपन बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है जी। तो यहां से निकलेगा ये जलकणु बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो इसको बनाने में भी थोड़ा बॉन्ड भी बड़ा चाहिए होता है, बॉन्ड तो बड़ा है लेकिन इधर बना देता हूं मैं, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। चलो इसको थोड़ा एक बार मिटा देते हैं फिर अपन करते हैं। यहां बना रहा हूं इसका जो उत्पाद बनेगा जो है ना, थोड़ी मुझे जगह चाहिए है ना, इधर यहां बना रहा हूं इसका जो उत्पाद बनेगा ना, यहां से भाई बाहर क्या निकल गया, ये H2O निकल गया, ठीक है। अब आपके पास ये बचे हैं तो इनको मैं जोड़ के यहां बना देता हूं उत्पाद। थोड़ा जगह का थोड़ा अपने समस्या हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एडजस्ट कर लेंगे अपन। अब देखो यहां से निकला तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अपने को इसके साथ जुड़ना, ये कार्बन और इधर कौन जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा आपका फिर से ये इधर फिनोल वाला जो भाग था ये OH, और ये जो देखो ये फिर से इधर से किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है इस तरफ, इधर ये बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड O और ये O, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से संरचना अपने को जो प्राप्त होती है, इसको अपन बोलते हैं फिनोप्तिलीन। ये एक प्रकार का क्या होता है, रंजक होता है, क्या होता है, रंजक, फिनोप्तिलीन बोलते हैं। और ये एक प्रकार का क्या होता है, रंजक होता है, ठीक है। तो ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अगला आता है लेडरर मानासी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, लेडरर मानासी अभिक्रिया, यानी जिसमें अपन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मिटा दें। चलो अगली जो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी लेडरर मानासी अभिक्रिया, लेडरर मानासी अभिक्रिया, लेडरर लेडरर मानासी अभिक्रिया। इसमें अपन क्या करते हैं, देखो जो फिनोल है इस फिनोल की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, HCHO, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में यह क्रिया करवाते हैं अपन, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इधर OH, ठीक है। अब देखो यहां पर कार्बन कितना है, एक ही है, कार्बन कितना है, एक ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2OH, CH2 यानी यहां से अगर यहां पे जुड़ेगा, मान लो ये यहां पे जुड़ा CH2, दो तो इसके पास है, अब यहां से भी तो हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2OH, और मान लो कि ये यहां पर जुड़ेगा तो जहां पे भी जुड़ेगा वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, यहां जुड़ेगा यहां से निकल जाएगा CH2OH। ये होती है लेडरर मानासी अभिक्रिया, क्या होती है, लेडरर मानासी अभिक्रिया, जिसके अंदर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है, पैरा, ये तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। कैसे होगा, देखो ये तो हो गया CH2, ठीक है। जब ये जहां जहां पे जुड़ेगा यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, ये इसके साथ आ जाएगा CH2OH, CH2OH। तो ये हो गया आपकी लेडरर मानासी अभिक्रिया, जो प्रमुख जो नेम्ड रिएक्शन है उनके बारे में आपको क्रियाविधि कभी नहीं पूछी जाएगी कि गाटरमैन अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, कि कैसा क्या होता है, इस प्रकार की चीजें कभी नहीं पूछी जाएगी, ना तो आपसे कभी राइमर टिमान अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछी जाएगी, ना आपसे कभी लेडर मानासी अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछी जाएगी, ना आपसे कभी कोलबे अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछी जाएगी, ना आपसे कभी गाटरमैन अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछी जाएगी। क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, और मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी उस वक्त भी आपको कह दिया था कि आपको क्या करना है,
एक अलग से एक छोटी कॉपी बनानी है और उस छोटी कॉपी को क्या करना है आपको, उसके अंदर जितनी भी जो नेम रिएक्शन है, जैसे मान लो ये लेडर मानस अभिक्रिया होगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने टाइम नहीं दिया है तो ठीक है, तो उनका क्या करना है आपको, उन जितनी भी जो अभिक्रियाएं हैं, उन जितनी भी जो नेम अभिक्रियाएं हैं उनको एक कॉपी में अलग से लिखना है, उन अभिक्रियाओं की समीकरण, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएगा, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, क्या आएगा, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा समीकरण लिखने वाला, ठीक है। लेडरर मानस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तो आपको लिखना है, क्रियाविधि इनकी नेम पूछी जाएगी, ठीक है। यह आएगा निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी का मतलब क्या होता है, समीकरण तो लिखना ही है लेकिन भी थोड़ी लैंग्वेज लिखनी होती है कि फिनोल की क्रिया तनु अम्लीय तनु क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड से कराई जाती है, बस इस तरह की टिप्पणी का मतलब लैंग्वेज लिखना है, और यह आता है फिर निम्न अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, तो ये जो अपना जो फिनोल है ना, ये फिनोल दो वीडियो में अपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बार बार आपके भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे तो मैसेज का क्या अंबार लगा हुआ है कि सर जल्दी 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 कोर्स कराओ कोर्स कराओ कोर्स कराओ। अरे कोर्स पे क्यों लग रहे हो यार, कोर्स के पीछे भागने से क्या मतलब है यार, जितना तुम्हें पढ़ाया है वो पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ाया है ना उसमें से, मैं तो क्या कि कोर्स करा देंगे उसमें क्या है भाई, कोर्स करवा देंगे उसमें क्या है, और अच्छे से कराएंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर उसी हिसाब से चलेंगे। अब जैसे ये रिएक्शन है आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा यार, इनको आपको लिख के लिख लिख के याद करना ही पड़ेगा इन रिएक्शन को इनको, और दूसरी जैसे मान लो कि नाइट्रीकरण था सल्फोनीकरण था, मैंने उनको इसलिए फटाफट कराया था क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है ना, तो आपके पास इतना समय है कि आप उनको वापिस देखो, वही जो बिक रहे हैं आपको मतलब उसमें के अंदर करा रखी है, तो सबसे बेस्ट मैंने तरीका बता दिया ना कि कुछ नहीं करना है, OH की जगह पे आपको क्या लगा देना है, हेलोजन लगा देना है, OH की जगह पे केवल हेलोजन लगा दो, पूरी अभिक्रिया सेम है, D2 है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने उनको उसी तरह से कराया कि समझा दिया बता दिया आपको ये अभिक्रिया आपको मिलेगी, तो आप पोस्ट लेक्चर में जाके देख सकते हो उसको एरले लाइट वाले में, ठीक है ना, क्लियर। तो अगला अपन का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा ईथर के बारे में, एक ही वीडियो और आएगा इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर फिनिश, लास्ट वीडियो इसका आएगा, ठीक है। बाकी अल्कोहल हो गया फिनोल हो गया, इसके अंदर जो ईथर वाला जो बचा है अगले वीडियो में अपन बात करेंगे ईथर के बारे में, ठीक है। ईथर क्या होता है और इसके नामकरण में किस प्रकार से करते हैं, नामकरण बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका इंपॉर्टेंट भी है, नामकरण का पूछा जाता है, इसकी निर्माण की विधि क्या है और इसके रासायनिक गुण क्या है उसको लेकर हम बात करेंगे आज की क्लास यहीं तक, और पढ़ाई करते रहें। और एक सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि अडानिया से यानी जो अपना जो संस्थान है यहां से 7 बच्चों का, कितने बच्चों का, 7 बच्चों का इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है, और जिनको जो सरकार है प्रति वर्ष 80,000 रुपए की जो है इनको स्कॉलरशिप देगी, कितने की, प्रति वर्ष 80,000 रुपए सरकार के द्वारा इन बच्चों को, 7 बच्चों को इंस्पायर अवार्ड के रूप में यानी 12th के बाद इनको दी जाएगी। इंस्पायर अवार्ड क्या होते हैं इनके बारे में अपन कभी चर्चा करेंगे, जो टॉप 1 स्टूडेंट जो होते हैं पूरे राजस्थान से उनको सिलेक्ट किया जाता है, और संस्थान से 7 बच्चों का जो चयन इसके लिए हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी नेक्स्ट टाइम इनके अंदर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें और मस्ती से इंजॉय करें, धन्यवाद।